हेलो एवरीवन, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और ज़िंदगी में हमेशा मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और दूसरों को खुश रहने दीजिए और दूसरों को भी खुश कीजिए। तो हम बात करते हैं दुखी। अक्सर आप लोगों के आसपास कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जो इंसान दुख हो जाते हैं और दुख भरी सारी कहानियाँ आप लोगों को सुनाते रहते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि यदि वो इंसान आपको दुख भरी कहानियाँ सुना रहे हैं, तो आप ऐसा नहीं कि आप ही उसको दुख भरी कहानियाँ सुना रहे हैं, ऐसा नहीं कीजिए। जबकि उसको मोटिवेट कीजिए, उनको बोलिए कि हाँ कोई बात नहीं, इट्स ओके। हर एक इंसान के ज़िंदगी में सुख दुख आते और जाते रहते हैं। सुख दुख एक भाई बहन के समान होते हैं। तो जो भी दिक्कत, जो भी परेशानियाँ होते हर एक इंसान के ज़िंदगी में होते ही है। तो इस प्रकार से आप ऐसे आसपास लोगों को आप समझा सकते हैं। तो मैंने ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि आज मुझे कुछ ऐसे इंसान मिल गए, जो इंसान मैं देख रहा था कि यार वो इंसान ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों उसको अपनी कहानी क्यों बता रहा है। जब वो इंसान जब अगला इंसान दुख है तो उनको समझाओ, उनको खुश रहने के प्रति उसको मोटिवेट कीजिए, ना कि वो उस इंसान को अपना ही कहानी बताने लगता है जबकि वो और दुखी हो जाते हैं। आप कभी कभी अक्सर आप सोचते होंगे कि जैसा माहौल, वो माहौल के ऊपर डिपेंड करता है कि इंसान किस कैटेगरी में रहते हैं। तो उनको माहौल को पूरा बिगाड़ने की कोशिश किया जाता है। कुछ ऐसे लोग हैं, तो प्लीज़ ऐसे काम मत कीजिए। यदि कोई इंसान दुखी होते हैं किसी कारणवश, पर्सनल परेशानियाँ या परिवार की फैमिली या किसी अन्य कारण के कारण वो दुखी होते हैं, तो उनको समझाइए प्लीज़, ऐसा मत कीजिए। क्यों आप ऐसे करते हो यार, मत करो ना, दुख उसे मत करो, खुश करने की कोशिश करो उसे प्लीज़, और हमेशा मुस्कुराते रहिए। बस हमारे वीडियो बनाने का यही तात्पर्य था। तो अपना ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। अपना ख्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। ऑल द बेस्ट।